नमस्कार दोस्तों, आप पीकेपी चैनल देख रहे हैं। आपको मेरा चैनल देखने में जरूर मजा आएगा। गाइस आए शुरू करें। अरे दादा, सरकार का नियम है कोरोना पीड़ितों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अरे दादा, तो फिर ये बच्चन परिवार का नाम न्यूज चैनल वाले गोला फाड़ फाड़ कर क्यों ले रहा है? ओ मारे। अरे दादा, होली पर आए थे, अब तो रक्षाबंधन भी आ गया। अरे दादा, कुछ दिन में दिवाली भी आ जाएगा। अरे दादा, पता नहीं अतिथि तुम कब जाओगे। अरे दादा, अब तो बीबी से शिकायत करना भी मुश्किल हो गया है। अरे दादा, कल मैंने बोला कैसी सब्जी बनाए हो। अरे दादा, बिल्कुल भी स्वाद नहीं। फिर क्या पत्नी बोली, अभी पुलिस को फोन करती हूँ, लगता है आपको कोरोना हो गया है, आपको शादी नहीं पता चला रहा। हो मारे। अरे दादा, इस समय ने किसी के घर जाओ, नहीं किसी को अपने घर बुलाओ, क्योंकि अतिथि ऋक्षि भव। हो मारे। अरे दादा, मैंने एक बात नोटिस किया कि जब से कोरोना आया, बाकी बीमारियों की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। हो मारे। अरे दादा, अच्छे से अच्छा मास्क खरीद लो, एक दिन फिर हूँ वालों अंकल आकर बोल देंगे कि कोरोना वायरस कान से भी घुस जाता है, तब क्या कर लोगे। ओ मारे। अरे दादा, सातवां महीने भी निकल चुका है लगभग, पर अब तक वैक्सीन नहीं बनी। अरे दादा, लगता है अब तो नौवे महीने में ही खुशखबरी मिलेगी। ओ मारे। अरे दादा, प्रधानमंत्री इंसानों की बस्ती का, अरे ये तो बस रोना है। अरे दादा, अपनी हो तो खासी, दूसरों की हो तो कोरोना है। ओ मारे। अरे दादा, मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रहा है कि आने वाले समय में बच्चों को हिस्ट्री में एक चैप्टर और बढ़ जाएगा। अरे दादा, कोरोना महामारी का संक्षेप में उत्तर दे, यह कहाँ से फैला था, कैसे फैला था, इसकी वैक्सीन कब बनी, और इस महामारी में कितने लोग मरे थे। हो मारे। अरे दादा, स्कूल क्या चीज है वो बच्चा मालूम नहीं। अरे दादा, मुझे तो लगता है इस साल बच्चों को पिकनिक में दिन स्कूल घुमाने ले जाएगा। अरे दादा, ठीक है ना। हो मारे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।